ताना शाह सरकार मुर्दाबाद 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 खट्टर दुष्यंत मुर्दाबाद 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 बीजेपी बीजेपी मुर्दाबाद 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 हिटलर शाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी हिटलर शाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी लाठी गोले की सरकार मुर्दाबाद 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 किसानों पे लाठी चलाने वाली सरकार मुर्दाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद सोच भी यही और तालिबानी सोच है। तालिबान तो हिंदुस्तान में पैदा हो रहा है, वहाँ से ही खतरनाक तालिबानी है ये। लाठी चलाने वाली सरकार मुर्दाबाद 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 लाठी चलाने वाले अधिकारियों को बर्खास्त करो बर्खास्त करो बर्खास्त करो इंकलाब जिंदाबाद 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 किसानों का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा है साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं कल करनाल के बस्ताड़ा में हरियाणा की बीजेपी सरकार ने जिस तरह से निहत्थे किसानों पे लाठियां चलाई, हमारे साथियों पे लाठी चार्ज किया, आज इसके विरोध में पूरे प्रदेश के अंदर कल संयुक्त मोर्चा ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई शाम को 9:30 बजे और ये फैसला किया कि ये जो तानाशाही है इसके खिलाफ पूरे देश के अंदर सभी जिला हेडक्वार्टरों पे, गांव के अंदर, तहसील में, ब्लॉक पे इसके विरोध किया जाना चाहिए। तो उसी कड़ी में आज हमने यहाँ शुगर मिल झील लंगर पे ये हरियाणा सरकार का पुतला फूंका है और कल जो लाठीचार्ज हुआ है इसकी हम घोर निंदा करते हैं। जिस तरह से हमारे नियत साथियों पर, किसानों पर, आंदोलनकारियों पर जिस तरह से लाठियाँ बरसाई गई हैं, ये जो लोकतंत्र की हत्या जिस तरह से की जा रही है, ये जो आंदोलन चला हुआ ये बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम आज इस प्रदर्शन के माध्यम से ये जो पुतला दहन किया हमने, सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जो भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट वहाँ मौजूद था, जिसने लाठी चलाने का आदेश दिया है, उसको बर्खास्त किया जाए और जो लाठी चलाने वाले जो भी पुलिस कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको निलंबित किया जाए और ये जो काले कानून है इनको रद्द किया जाए, अन्यथा आने वाले समय में सरकार को बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। और 5 सितंबर को बड़ी संख्या में देश का किसान और मजदूर मुजफ्फरनगर में सरकार को गद्दी छोड़ने पर मजबूर करेगा। जो रैली होने जा रही है उसमें भारी संख्या में किसान और मजदूर हरियाणा के पहुँचेंगे। आज पूरे प्रदेश में हम ये विरोध कर रहे हैं और सरकार को चेताना चाहते हैं कि ये जिस तरह से आप लाठी गोली से इस आंदोलन को दबाना चाहते हैं, आप ये भूल गए कि ये हमारे जो आंदोलनकारी किसान हैं, इतिहास है, वो अंग्रेज भी इसराया करते थे, चाहे वो जलियांवाला बाग है, चाहे अलग अलग तरह से उन्होंने किया। आज उन्हीं घटनाओं को ये भाजपा की सरकारें दोहरा रही हैं। हम निंदा करना चाहते हैं कि सरकार या तो अपनी इन मजदूर किसान विरोधी जो तानाशाही रवैया इससे बाज आए, अन्यथा आने वाले दिनों में जिस तरह से हमने अभी विरोध कर रखा है हम इनको सड़क पर नहीं उतरने देंगे। और ये हम इसको मुजफ्फरनगर में जो 5 तारीख को रैली होने जा रही है इसमें हम सरकार को बता देंगे। तो आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ और आप सभी से अपील है कि ये जो विरोध गांव-गांव तक हमारा होना चाहिए, आप सबका धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। अभी पता लगा कि एक किसान शहीद भी हुआ है करनाल से। जी नहीं, कोई सोशल मीडिया पे तो अभी खबर चल रही है कोई, लेकिन कोई कन्फर्म नहीं है, उसे हम तक पता। असल में कल जो लाठियां मारी है ना, हमारे एक साथी को तो कम से कम 50 से ऊपर टाँके हैं, जिस तरह से बड़ी रहमी से हमारे साथियों को पीटा है और काफ़ी साथी अभी अस्पतालों में हैं, घायल हैं बुरी तरह से। हो सकता है कोई इस तरह की सूचना, लेकिन उसे हम तक क्लियर हो पाएगी बात। ये कल लाठी चार्ज हुआ था हरियाणा में करनाल में, उसके बारे में पंजाब में कैसी प्रतिक्रिया आ रही है? पंजाब में जी हमारे को जो तो संयुक्त मोर्चा ने कॉल की तो हमारे पंजाब में पूरा पंजाब जो है सारे पंजाब की सड़कें पूरी फुल बटा फुल सारी जाम की हुई है। पंजाब का किसान है जो
जो दिल्ली में बैठा है तीन काले कानून के रद्द कराने के लिए, तो उसमें बड़ी भूमिका है। जब भी हमारे भाइयों का पता लगा भी हरियाणा में लाठी चार्ज ये सरकार ने किया है, बुच्चड़ सरकार है मोदी सरकार, आज तक किसी भी इतिहास में ऐसा बात नहीं हुई। पहले मुगलों की सरकार होती थी तो उस टाइम भी इतना मतलब के वो इसने नहीं किया। उसके बाद अंग्रेज़ों की सरकार आई, अंग्रेज़ों की सरकार ने भी जलियांवाले बाग में बहुत गोली छिक्का चलाया। तो उस टाइम जो पंजाब का करतार सिंह सराभा, भगत सिंह ते बाकी ये ऊधम सिंह, वो तो 12 साल की उम्र में था, उसने देखा भी हमारे नहाते भाइयों पे गोली चलती है। तो उसने उसके बाद 18 साल बाद उस अंग्रेज अडवायर दा जो बदला है वो जाके अमेरिका में लंदन दे विच लिया। ये जड़ी मोदी सरकार है एदा भी वही हासर होगा। जैसे पहले इंदिरा गांधी ने हमारे पंजाब में अमृतसर है उसके अटैक करवाया और उसके बाद उठे नहत्ते सिंहों पर गोली चलाई और उसके बाद सिंहों ने बदला लिया, श्रीमती इंदिरा गांधी को मार मकाया। जिसने भी पंजाब ते माड़ा काम किया है जो वो हुआ है। इसके साथ भी होगा, जो हमला हुआ है इसको तालिबानी संज्ञा दी जा रही है इसको सरकार को। हाँ जी हाँ हाँ बिल्कुल, जे तालिबान से काम नहीं है, जो मोदी है खट्टर सरकार है वो इदू ऊपर है काम नहीं। एक पासे उन्हों का विरोध करते हैं, दूजे पासे हमारे पंजाब की जो अपने हिंदुस्तान की सरकार है यह मोदी सरकार, ये भी तालिबान वाला फरमान जारी है। सानू 9 महीने हो गए, अज पूरे हो गए 9 महीने दिल्ली दियां सड़कां दे बैठिया नू, असी सर्दी भी देखी, असी गर्मी भी देखी, असी इत्थे साढ़े 600 तो उपर साडा जो किसान है भाईचारा हरियाणा पंजाब का राजस्थान का वो शहीद होया है, असी फिर भी परवाह नहीं करते। जितना चिर ये तीन काले कानून रद्द नहीं होंगे उतना चिर चाहे साड़ी जितनी मर्जी सहायता हो जाए, असी इतों दिल्ली के बार्डर तो उठते नहीं। असी करांगे जा मरांगे, असी साड़ी लड़ाई लंबी रहू, असी जित के आवांगे। क्या नाम आपका, कहां से? मेरा नाम, मैं पंजाब से जिला संगरूर से हूँ, दूरी ब्लॉक का मैं सीनियर मीत प्रधान हूँ, जरनैल सिंह जहांगीर मेरा नाम है। करीब 5 तारीख जमुना नगर में रैली है, बेस को रद्द करो। मुजफ्फरनगर में? मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर में रैली है, किसान नगर दे डंडे लाठी चार्ज करके भाई इखर कर दो, उनकी पार्टी बाजी कर दो, राजनीति के आदमी नहीं के आदमी बीच में बाड़ा डंडे पत्थरे ये मार दे हैं। दूसरी पार्टी ने किसानों ने बर्बाद करना चाहता है, मैं किसान मजदूर मतलब ये धक्काशाही कर रहे हैं। पैदा करने की योजना है सरकार जी? हाँ जी, आज इन्हीं के आदमी है, बीजेपी के आदमी है, जेजेपी के आदमी है, जो किसान मजदूर है कोई लाठी मतलब किसी के चार्ज नहीं कर रहा, शांतिपूर्वक से बैठा है। जो इतने दिन लड़ाई शांतिपूर्वक से करी, अरे किसान तो इतने समझ रहे हैं लाठी चार्ज हुआ करनाल में, तो आने वाले समय में किसान क्या रणनीति अपनाएगी उसके विरोध में? उसके विरोध में सबसे पहले तो जो SDM है उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे और सख्त सख्त जितने भी ठोस कदम उठा जाओ ठोस कदम उठाएंगे। और जो मोदी अमित शाह हैं ये इस बात को भूल जाएं कि वे किसान पीछे हट जाएगा। जो कल जो काम हुआ है, जो सरकार ने काम कल किया है, ये एक निंदनीय सोता है और इसके अंदर जो भी दोषी कर्मचारी हो, SDM या पुलिस वाले, कांस्टेबल, SP, DSP कोई भी हो चाहिए, सबको ऊपर जितने जिन्होंने वहाँ से कांड किया है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आज जिला वाइज जो ये जिला मुख्यालय हैं उनके ऊपर प्रदर्शन दहन भी किया जा रहा है। हाँ, पुतला दहन भी किया, हमारे लंगर पे भी किया है आज। और हम सख्त शब्दों में एक आलोचना वो करते हैं, निंदनीय सोता है ये, और हम ये चाहते हैं बस सरकार झुक जाए और किसानों की बात सुने। अगर किसानों की बात नहीं सुनती है तो आर पार की लड़ाई होगी। आर पार की लड़ाई कैसी होगी? लट से नहीं, हम रोड जाम करेंगे और जहाँ संयुक्त मोर्चा कहेगा वहाँ हम डट के जाएंगे और डट के वह सरकार का मुकाबला करेंगे। मुकाबला करने के बाद फिर हम ये कहेंगे भाई मोदी अब तो तुम्हारी देड़ी पे आ गए, अब तो इस कानून को रद्द कर दे। अगर रद्द नहीं करता है
तो अब दिल्ली कूच की तैयारी है, यानी कि 5 सितंबर को जो मुजफ्फरनगर में जो महारैली है, उसके बाद 28 सितंबर की जो रैली रखी हुई है, जो रोड जाम की जो सूचना मिली हुई है, 25 सितंबर को पूरे देश के अंदर चक्का जाम होगा, और उसके बाद सरकार नहीं मानती है तो दिल्ली को जाम कर देंगे। दिल्ली के जो प्रधानमंत्री का जो मकान है उसके चारों तरफ किसान ही किसान होगा। तो ये मत कहना फिर अगर किसान क्यों आ गए, किसान अपना हक मांगने के लिए आएंगे और हक लेकर रहेंगे, और उसके बाद फिर भी नहीं मानता है तो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कम से कम उसकी तो पालना कर ले। ठीक है, क्या नाम आपका? राजवीर। कहाँ से? अहमदपुर। ये मेडिकल कैंप लगाया हुआ है, यहाँ भी डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे इनका क्या कहना है जो कल लाठीचार्ज हुआ है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम है जी राकेश। आपका क्या कहना है ये लाठीचार्ज हुआ कल? लाठीचार्ज में कहना कि भैया तो एकदम साजिश है पक्की, या तो साजिश थी और इन्हें पहले ही बेरा थी कि जब किसान इकट्ठे होंगे तो ये तो एक मौका ढूंढ रहे थे भाई किसानों ने कुटन का। बार बार जो खट्टर का विरोध कर रहे थे, जो दुष्यंत का विरोध कर रहे थे, कल इन्हें मौका मिल गया। अरे एक बात स्पष्ट है भाई, जितने भी ये फौज में हैं, फौज में तो छोड़ो पुलिस में, फौजी तो अपनी ड्यूटी करे बढ़िया करे, लेकिन जो पुलिस वाले हैं किसान पुत्र हो कि भी ये अपना उसने भूल जाए, मतलब अपने बाप दादा के नकल लठ मारे हैं वो, इतनी भूंडी तरह से लठ मारे गए हैं, डंगरों को भी नहीं पिटा जाता, इतने एक किसान को 50 के लगभग टाके आए सर। वही है ना भाई, ये पहले साजिश ने पहले कर रखी थी, SDM का वीडियो नहीं आया था, उन्हें पहले कह दी थी कि भाई एक भी नहीं बचना चाहिए, इन्हें कुटो, खट्टर ने ऑर्डर दे रखा था, दुष्यंत तो कति डूब रहा है। और तो चलो कोई नहीं, तो एक दो साल की और सरकार है, फिर तो मतलब ये बाहर लगन जोगी भी नहीं रहेंगे, और दुष्यंत तो खास कर भाई। अरे मैं तो इन पुलिस वाला नू कहूँगा, सरकार तो आनी जानी चीज़ है, तुम अपने बाप दादा जो लठ मार गए वो मतलब उससे बड़ा घटिया इंसान कोई हो ही नहीं सकता। अपना विरोध कर रहे हैं सब, अपना अपना कर रहे हैं तो करने दो भाई, सरकार तो आनी जानी चीज़ है ना, और सही खातर कर रहे हैं, कोई गलत खातर थोड़ी। ये राष्ट्रवाद के नाम पर पूरा देश में बेचन लाग रहे हैं, उसका विरोध करो तो फिर उसने देशद्रोह का केस ला दिए उस पर। ठीक, ओके। कल लाठीचार्ज किया है सरकार ने, करवाया है हरियाणा सरकार ने, क्या कहना चाहोगे? आपका संगठन की क्या सोच है इसके पीछे, सरकार की क्या मंशा थी? सरकार की मंशा ये है, ये डराकर धमकाकर इसका रवैया रहा है, ये सरकार नहीं है, ये कंपनी RSS की कंपनी है, इसको RSS चला रही है और इनकी सोची समझी चल रहा है, लोगों को डराकर धमकाकर घरों में बांट दिया जाए, परंतु किसान डरने वाला नहीं है। इस सरकार को तहस नहस करके किसान अपनी मांगे मनवा कर जब घर वापसी करेगा, और इससे पहले इससे कम किसान को कुछ मंजूर नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना ये दमन करेंगे इतना ही ऊपर के आएगा, जितना किसान का लोभ आएगा इतना किसान में आक्रोश होगा, और सरकार को ये तालिबान का एजेंडा चलाए हुए है, तालिबान तो ये खुद हैं, तालिबान के एजेंडे हैं इनके, इनकी सोच है, इसके सबके प्रति इनकी सोच है नहीं वह ख़राब है, किसान के प्रति, मजदूर के प्रति, महिला के प्रति ये बार बार दर्शाते हैं इनकी सोच को, और ये कल भी यही उदाहरण था, किसान को ये देख कर भी राजी नहीं है, जो इनकी ये तालिबानी एजेंडा सर से ऊपर इनकी लाठीचार्ज कराया, ये हमला है, लाठीचार्ज नहीं था, ये सीधा किसानों पर हमला था। ये भी देखा जा रहा है, सुनने में आया कि जो 5 तारीख की रैली है मुजफ्फरनगर में, उसकी ओर से ध्यान भटकाने के लिए ये लाठीचार्ज किया गया, ताकि हरियाणा के किसान हरियाणा में उलझ के रह जाए, क्या कहना चाहोगे? आपकी क्या राय? उसका तो ध्यान भटकाते हैं ये, वैसे ये ड्राइवर भी अंदर रखना चाहते हैं लोगों को, और उसका ध्यान नहीं है, एक अपनी ताकत दिखाता है, राज का नशा है, राज के नशे में ये अपनी ताकत दिखाते हैं, जब और लोगों को तो शिक्षा देते हैं, देश का घोड़ा लाठी दे दी, मजदूर के दे दी, किसान गए, अब ऑनलाइन कराओ सारा काम, ये ऑनलाइन अपनी मीटिंग भी तो कर सके हैं, ये अपनी मीटिंग कर देने क्यों इकट्ठे हुए हैं, ये ज़्यादा जानबूझकर माहौल ख़राब करने के लिए और किसान को ऊपर दोष मनने के लिए जानबूझकर ये ऐसे प्रोपगंडे कर रहे हैं। पूरा शहर कल करनाल ब्लॉक कर रखा था हरियाणा सरकार ने, और लेकिन इल्ज़ाम लगाया जा रहा किसानों पर, किसानों ने हाईवे जाम कर दिया, इन्हें जानबूझकर 8 बजे से सारा शहर था नहीं वो ब्लॉक कर दिया, और लोग घरों में कैद कर दिए, सारे तंग बीमार भी था और भी था,
ये वैसे तो ये किसान अच्छी होने का और मानव अच्छी होने का बड़ा ढोंग बरते हैं, कभी हनुमान के पाया में पड़े हैं, कभी शिव जी के पाया में पड़े हैं, कभी किसी के पाया में पड़े हैं, और सबसे ज़्यादा मानव की नानी यही करते हैं। इनके किसी चीज़ का दया धर्म नहीं है, न किसी स्त्री का दया धर्म है, ना किसी बच्चे का दया धर्म है, इसका किसी का नहीं है। इनके निर्दयी आदमी हैं, इनकी सोच भी यही है और तालिबानी सोच है। तालिबान तो हिंदुस्तान में पैदा हो रहा है, वहाँ से भी खतरनाक तालिबानी है ये। तो आगे के क्या कार्यक्रम रहेगा आपके संगठन की तरफ से, इसे किसान मोर्चा की तरफ से? हमारे संगठन से आगे भी ये है, जितना ये दमन करेंगे उसके खिलाफ हम डट के लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे और इनको गद्दी से उतार के जभी दम लेंगे। अभी हमने किसानों से बात की, ये शुगर मिल लंगर पर आए हुए थे, इनकी क्या क्या प्रतिक्रिया थी? इन्होंने बताया कि यह जो बीजेपी की सरकार है यह तालिबानी रुख अपना रही है, राज का नशा है इनमें, और इसलिए ये जानबूझकर किसानों को बदनाम करने के लिए, किसानों पर ज़्यादा से ज़्यादा अत्याचार करने के लिए ये लाठीचार्ज इत्यादि और अनेक तरह के हथकंडे अपना रही है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।